प्रदेश के बाराबंकी और सीतापुर में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद सिविल पुलिस भी लगातार अवैध तरीके से शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह के गृह जनपद में भी अवैध तरीके से शराब बनाने व बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ पुलिस पिछले एक सप्ताह से कार्यवाही कर रही है। बताते चलें कि प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री का गृह जनपद है। उनके गृह जनपद में अवैध कच्ची शराब की भट्टियां धड़ल्ले से धधकती हैं। जिले का एक दर्जन थाना क्षेत्रों के दर्जनों गांव के लोग इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं और आबकारी विभाग इस पर अब तक अंकुश नहीं लगा पाया है। अवैध और कच्ची शराब के विरुद्ध पूरे जनपद में अभियान चल रहा है। अब तक 4-5 दिनों में सैकड़ों लीटर शराब और कई कुंटल लहन बरामद और बर्बाद किया गया। कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की बिक्री, अपमिश्रण और अवैध परिवहन, इस पर सघन तलाश की जा रही है। आबकारी विभाग भी जब सहयोग मांगता है दिया जाता है और इधर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से ये कार्रवाई चल रही है और जनपद स्तर पर एसडीएम भी उसमें शामिल है। ये ज्वाइंट टीम भी ऑपरेट कर रही है। जनपद स्तर पर